स्वास्थ्य सेवा कृषि एवं स्थायी सहर उपरे तीनिटी एआई उत्कर्ष केन्द्र घोषणा करिसेंति केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नया दिल्ली ठार आयोजित एआई उत्कर्ष केन्द्र घोषणा करिसेंति केन्द्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एही तीनोटी उत्कर्ष केन्द्र विकसित भारतर स्वप्न को साकार करिबो बोली कहिसेंति केन्द्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शीर्ष शिक्षानुष्ठान शिल्प अंशीदार और स्टार्टअप माने एथिलागि नेतृत्व नेबे आगामी 50 वर्ष धरि भारत विश्वर प्रमुख बजार होइ रहिबो एकविंश शताब्दीर भारत नॉलेज बेस भारत हेबो। दशहरा में हम लोग इकट्ठा हुए हैं, दीपावली दशहरा के बीच में इकट्ठा हुए हैं। 10 साल में जो 3 आज हमने मंदिर बनाई एग्रीकल्चर में, हेल्थ केयर में और सस्टेनेबल सिटीज में, ये दुनिया की पब्लिक पॉलिसी में, एडमिनिस्ट्रेशन में, इकोनॉमी में सॉल्यूशन गिवर होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। मैं आप सभी को इस अवसर पे बधाई देता हूँ। विशेष करके मैं जो हमारे यंग रिसर्चर है उनकी आंखों की स्पार्क पड़ रहा था, इसमें क्या क्या चीज निकल के आएगा, क्या क्या चीज निकल के आएगा। कभी भारत के गांव को अगर पता चलेगा, लोग आज भारत में खेती छोड़ के शहरों में मजदूरी करने के लिए आ रहे हैं। जब उनको पता चलेगा उनकी प्रोड्यूस को ग्लोबली इतने बड़े मार्केट है और एआई की डाटा उसको प्रूव कर रहा है, और हमारे गांव में खटाल में जो भैंस है उसकी अगर नंबर हम बढ़ाते हैं, उसकी अगर थोड़ा क्लीन और साइंटिफिक प्रोडक्शन इकोसिस्टम बनाते हैं, तब हमारी मिल्क प्रोडक्ट शायद साउथ अफ्रीकन कंट्रीज की न्यूट्रिशन की कंट्रीब्यूशन करेगा। भारत तो करेगा ही करेगा, अफ्रीकन देशों की भी न्यूट्रिशन की समाधान। तभी तो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि हम वसुधैव कुटुंबकम को साकार करने के लिए विश्व बंधु की भूमिका निभानी है, ये आउटकम है G20 की। और ये सिर्फ 6 इंस्टीट्यूशन नहीं है, 5-4 इंस्टीट्यूशन को आज हमने स्टेज पे बुलाया, एम्स दिल्ली, IIT दिल्ली, कानपुर IIT और रोपर IIT, शायद इसके साथ मिलाएं तो अराउंड मोर देन 50 इंस्टीट्यूशन है। आप सब लोग उसकी स्पोक बन जाओगे, और उसमें मैं कैसे सपना देखता हूं, मेरे इंटरेस्ट क्या है उसमें, ये 3 सेंटर एक नई प्रकार की स्टार्टअप इकोसिस्टम को बनाएंगे। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हजारों नई पीढ़ी की सामान्य लड़कों को बिलियनर बनाने के सपना दिखाएगी। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।